नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। कल इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद आज हिंदू समाज के लोग मंगलवार होने से भोजशाला पहुंचे और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, हवन पूजन किया गया। आज दोगुने उत्साह के साथ हिंदू संगठन के लोग यहां पर पहुंचे। देखें खबर एसके पी लाइव न्यूज पर। भोजशाला प्रति मंगलवार के दिन पूजा अर्चना होती है। आज मंगलवार है, पूरा हिंदू समाज यहाँ पे आया है। कल से ज़्यादा होता नहीं, हमेशा मंगलवार के दिन आते हैं। संख्या तो रहती, कभी कभी और ज़्यादा भी हो जाती थी, और आज जो संख्या है सामने दिख रहा है, उत्साह है मनुष्य धार में कि आज हमारा महावाग देवी का मंदिर वापस खुलेगा, क्योंकि जो सत्य था वो सामने आया है। 97 में यहाँ पे दिव्य सरकार ने ताले लगाए थे, उसके पहले यहाँ पूजा अर्चना होती थी। ताले लगने के बाद हिंदू समाज जागृत हुआ। 2003 में 1 लाख की संख्या इकट्ठी हुई और यह सोच है, संकल्प लिया था कि अगर ताले नहीं खुलेंगे तो ताले तोड़े दिए जाएंगे। और 18 फरवरी 2004 को भयंकर आंदोलन हुआ, जिसके कारण धार जिले में एक आतंक का वातावरण बना दिया प्रशासन ने, और उसको भी हिंदू समाज ने सामना किया और सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में गए। 3 कार्यकर्ता हमारे इस आंदोलन में शहीद भी हो गए, और परंतु हम पीछे नहीं हटे और आंदोलन चलता रहा। 8 अप्रैल 2004 को दिव्य सरकार ने ताले खोले, क्योंकि हिंदू समाज यहाँ जागृत हो गया था। उन्होंने क्या कहा, हिंदू समाज के लिए ताले नहीं खुलेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। ये हमारा मंदिर था, इसीलिए ताले खुले। किसी मस्जिद में अगर हम जीत करते तो नहीं खुलते। और मुसलमानों ने भी जो ताले खुले तो उसका इन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि मंदिर हम जबरदस्ती यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज होती नहीं यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी विवादित जगह पे नमाज नहीं होती है, सभी जानते हैं। पर इन्होंने जीत के कारण यहाँ पे अपना अधिकार जमाने के लिए आए, और परंतु हिंदू समाज कंटिन्यू आंदोलन करता रहा है, और उसी के कारण हम हाईकोर्ट में गए कि जब बसंत पंचमी शुक्रवार आ जाती है तो हिंदू समाज को बहुत यातना झेलना पड़ती है। उसी को लेकर याचिका लगाई कि भैया मंदिर है, हमारा मंदिर घोषित करो। और हमने जो सत्य था कि पुरातत्व विभाग द्वारा 22 मूर्तियाँ जो निकली मांडो पुरातत्व विभाग में पड़ी रखी गई है, जिसकी रसीद हमने हाईकोर्ट में पेश की, और यहाँ जितने भी चिन्ह हमारे कि मंदिर है वो सारे चिन्ह हमने हाईकोर्ट में पेश किए गए। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार के तो भारतीय जनता पार्टी की है, उससे कोई मतलब नहीं कि सरकार कोई की भी हो, पर हिंदू समाज के जो आस्था के केंद्र हैं वो कोर्ट ने माने हैं कि है, इसीलिए सर्वे की अनुमति दी है। और सर्वे होगा तो सत्य सामने आएगा, और सत्य है इसीलिए 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमारा मंदिर खुलेगा और मंदिर में पूजा अर्चना होगी। माँ वाग्देवी लंदन में बैठी है, वो आने को तैयार है, लंदन सरकार देने को तैयार है। 2011 में हम यहाँ पर सुब्रम स्वामी को हमारा लाए थे दिखाने के लिए कि हमारा मंदिर है, वो इसी को लेकर उन्होंने लंदन में हमारी तरफ से केस लड़ा, और लंदन सरकार ने मूर्ति देने को तैयार है, पर शर्त ये कि मूर्ति पुरातत्व विभाग में रखी जाएगी, जहाँ से हम लाए पूजा करने के लिए पूजा में रखी जाए। इसलिए सरकार भी अब इसके लिए जब आएगी मूर्ति तो सरकार भी रखने का प्रयास करेगी, और नहीं रखेगी तो हम खुद हिंदू समाज यहाँ का जागृत है और मूर्ति रखेंगे। मुस्लिम पक्ष जो है इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने, देखो वो कहीं भी जाए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मस्जिद आपकी साधा नहीं। आप ये बताओ, अभी आप यहाँ पे आए, जिस प्रकार से पूजा अर्चना हो रही है, कोई मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है क्या? किसी मस्जिद में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं? कहने से कुछ नहीं होता है, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, उनके कहने से कुछ नहीं। जो यहाँ बाहर बाबा ने बिठाया है वो भी यहाँ के नहीं है, उनकी कबर और कहीं गड़ी थी। ये तो हमारा शिव जी का मंदिर है, उसके बाद गणपति जी, अगर वो ये भी समय आने पे हमारा होगा। ठीक है, नाम और पोस्ट अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति अध्यक्ष। आज मंगलवार है, आप लोग क्या भोजशाला में क्या चल रहा है और दोगुने उत्साह के साथ आप पहुँचे? कल हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित हुआ है कि भोजशाला का ज्ञानव्यापी की तर्ज पर सर्वे होगा। उस खुशी को कल हिंदू समाज ने बड़े उत्साह के साथ मनाया था, और योग से आज मंगलवार का दिन है, सत्याग्रह का दिन था जो पिछले 32 वर्षों से सतत चल रहा है, और इसी सत्याग्रह का परिणाम है कि आज पूरे देश भर में जो भोजशाला की पहचान और धार की पहचान बनी है, इस सत्याग्रह के कारण आज निश्चित ही इस सत्याग्रह का प्रतिफल। अब सत्याग्रह तो हमने प्रत्यक्ष रूप से इनकाउंटर चालू किया, लेकिन ये सत्याग्रह धार के हिंदू समाज ने 1305 में जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब से हिंदू समाज प्रयत्नशील था कि भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनर्स्थापना के लिए। तो कल जो आदेश हुआ इसके लिए हाईकोर्ट साधुवाद का पात्र है कि उन्होंने हिंदू समाज की भावनाओं को अनुरूप आदेश दिया है, और अब यह तय होगा कि स्थान मंदिर है कि मस्जिद, साक्ष्यों के आधार पर, क्योंकि कानून को साक्ष्य चाहिए।
आँख से तो देख सकते हैं कि खंभों में चिन्ह बने हुए हैं, यह जो खुदाई हुई थी 97 में, तब ये शिव पार्वती आरती खंभे, नटराज की प्रतिमा है, गौमुख है, हवन कुंड बना हुआ है, ऐसे सारे चिन्ह प्रत्यक्ष है। लेकिन इस सर्वे के आधार पर निश्चित ही इस भवशाला को टाइटल मिलने वाला है, ये वहाँ का मंदिर है, वो टाइटल मिलेगा तो निश्चित ही वहाँ के आने के रास्ते प्रशस्त होंगे। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, उनका कहना है कि ऐसा है कि उनके पास पूर्व से आदेश है कि ये जो इमारत है वो कमाल मौलाना मस्जिद, क्या कहना है? उन्होंने खुद ने इतिहास को ढंग से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उनका तो इतिहास कहता है कि 1300 में कमाल मौलाना अहमदाबाद में जाके मरे, उनकी ओरिजिनल मजार वहाँ पर है। ये तो हमारे शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें 16वीं शताब्दी में दिलाव खा गोरी ने इसको ध्वस्त करके यहाँ पर हमारे मजारें निर्माण कर दी थी। जब सर्वे होगा तो उनका भी सच्चाई सामने आने वाली, उस सच्चाई से डर कर वो शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आपका नाम? गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुनीता शर्मा। आप कब से इस आंदोलन से? 30 साल से। अच्छा, क्या कहेंगी कल सर्वे का आदेश आए? मैं तो ये कहना चाहूँगी, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। जो संघर्ष किया है सभी लोगों ने शुरू से अभी तक के, तो इतनी खुशी हो रही कि ये हमारे माँ का मंदिर है और हमारी माँ आना चाहिए। तो जैसे एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो मेरा यही है कि उन लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए, शुक्रवार को नमाज नहीं करे और मेरी माँ आ जाए। और इसके लिए प्रशासन और मोदी जी सबको धन्यवाद दूंगी कि हमारी पीड़ा को समझे। और एक गीत गाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे, माँ आएगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे, माँ आएगी। माँ आएगी तो दिल की मैया आऊँगी, सजाऊं। आप लोगों ने याचिका लगाई थी, क्या कुछ रहा और क्या याचिका में निकल के आया? माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू समाज वर्षों से संघर्षरत है। सनातनियों की यह भोजशाला है और इस भोजशाला में हिंदू समाज को पूर्ण रूप से आधिपत्य मिले, इसलिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने माननीय हरिशंकर जी जैन, माननीय विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री, कुलदीप जी तिवारी और हमारी पूरी टीम के साथ हमने यह 1 मई 2022 को इंदौर में माननीय न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें विभिन्न चरणों के बाद सुनवाई का क्रम आगे बढ़ा और इसी तारतम्य में हमने एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हम याचिकाकर्ताओं की ओर से हमने 5 फरवरी को मैंने स्वयं ने एक आवेदन दिया था, जिसके अंदर माननीय न्यायालय से यह आग्रह किया था कि वे ASI को आदेशित करें कि संपूर्ण भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए, जिससे कि ये स्थापित सत्य को प्रामाणिकता मिल सके कि यह भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि 11 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने, डबल बेंच ने यह एक आदेश दिया है कि ASI आने वाले 6 सप्ताह में 5 सदस्यीय दल के साथ संपूर्ण भोजशाला परिसर, उससे 50 मीटर दूरी तक 5 सदस्यीय टीम के साथ 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें GPR, GPS और उत्खनन और इससे लेके कार्बन डेटिंग से लेके सभी नई तकनीकों का प्रयोग होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वैज्ञानिक सर्वेक्षण से भोजशाला का सच सभी के सामने आएगा। हालांकि भोजशाला पूरी तरीके से मंदिर है, विश्वविद्यालय रहा है, पठन पाठन का केंद्र रहा है, यहाँ एक एक स्तंभ के ऊपर, शिखर के ऊपर, कण कण में, पत्थर पत्थर में भगवान का वास है, यहाँ श्लोक लिखे हुए पाषाण हैं, स्तंभों पर देवी देवता के चित्र है, हिंदू प्रतीक चिन्ह है, फिर भी ये कानून और संविधान के दायरे में रहकर भी यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह माँ सरस्वती का मंदिर है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम आशीष गोयल, मैं इस प्रकरण में याचिका करता हूँ।